ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وقال سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. ولا يجرمنكم شنان قوم ألا ألا تعدلوا. اعْدِلُوهُ هو أقرب للتقوى. إن الله خبير بما تعملون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِنْ تَلْغُوا أَوْ تعرضوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَهَكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْقِسْطِ تمام ترحمد وثناء وشكر وصفاس تاريف ستائش लायक है मखसूस और सज़ावार है अल्लाह रब्बुल अल्लाबीन राहिमीन, अहकमुल उहाकिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए अजका तरीन तहियात और अफजल तरीन सलावात और तस्लीमात, तस्लिम सैदालाउल वरीन ख़ातुलंबियाई वमरसली रहमतलम सदुना व हदीना इमामुना व मौलाना महमदर रसूल सल्ह वसलम की ज़ात बाबरक़ात सतुदा सिफ़ात पर हज़रात ख़वात सामीन व हाज़रीन बरदरान इस्लाम सामयीन और हाजिरी ने अल्लाह अल्लाहबुल्ज़त ने ये कायन अदल और रहमत की बुनियाद पर पैदा फरमाई है इस जहान को अल्लाह इज़्ज़त ने रहमत के साथ बनाया है और अदल के साथ चलाया है लेकिन उसका फैसला ये है कि उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब रहेगी उसकी मेहरबानी बंदा नवाज़ी उसके गज़ब और इंतकाम पर हावी और गालिब रहेगी वो अपने बंदों के साथ रहमत का मामला करता है इस दुनिया के अंदर इंसान को जो कुछ पेश आता है उसमें इंसान की कोताही उसका कसूर और उसकी कोई गलती और उसकी कोई लफ्जश ज़रूर होती है अल्लाह इज़्ज़त की तरफ से किसी के साथ ज्यादीती नहीं होती अल्लाह हरबुलज़त ने फरमाया व माँ वाबकुम मुसीबन फबी माँ कसबत हूँ जो तकलीफ़ आजमाइश मुसीबत परेशानी तुम पर आती है वो तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा होती है व याफुन कसर और अल्लाह ताला ज़्यादातर तो मुआफ़ी फरमाते हैं इसलिए इंसान को जब कभी भी जिंदगी के अंदर कोई नागवार कोई तकलीफ़ दे कोई परेशान कन सूरत हाल पेश आए तो इंसान को अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी कमियों कोताहियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और अल्लाह इज़्ज़त से तौबा और इस्तिगफार करनी चाहिए ये नबियों का तरीक़ा है ये अल्लाह के सच्चे और मकबूल अल्लाह के प्यारे और बरगुज़ीदा बंदों का रास्ता है हज़रत यून सलाम का तर्जआमल हमारे सामने है जब उन पर आजमाइश आई तो उन्होंने अल्लाह के हजूर अल्फ़ाज के साथ साथबा की अल्लाह से बख्श मांगी अल्लाह की रहमत को पुकारा ला इला इन्नी कुंतु ला इला अंत सुबह नक इन्नी कुंतुमिन एल्ला तेरे सिवा कोई महबूद नहीं है सच्चा और महबूब नहीं है हकीकी इलाह का माना ये होता है कि वो हस्ती जो हमारी ताज़ीम और हमारी न्याजमंदी बंदगी तजल हजू आजजी न्याजमंदी का हकदार है वो सिर्फ़ अल्लाह रबुल इ्जत है उसके लिए बढ़ाई है और हम उसके सामने आजिज़ नाचीज़ बिल्कुल नादार और बिल्कुल इस तरह पस्त और नीच हैं कि उसकी जाते आली के साथ हमारी कोई निस्बती नहीं उसके लिए बड़ाई ही बड़ाई है और हमारे लिए निचाई ही निचाई है ये अल्लाह रबुल इज़्ज़त की बड़ाई का हक है और हमारे ऊपर उसके एहसान उसके इनामात, उसकी नवाजशात उसकी इनायात इस क़दर ज़्यादा है कि मैं क्या सारी कायनात इकट्ठी हो के उसके इनामात और एहसानात को गिनने लगे सात समर सियाही बन जाएं और सारी दुनिया की लकड़ियाँ और तिनके और दरख्तों के तने और शाखें ये कलम बन जाएं तो ये कलम ख़त्म हो जाएंगे स्याँ ख़त्म हो जाएंगी इतनी स्याँ और आ जाएं इतने कलम और आ जाएं अल्लाह की नेमतें और उसके एहसान गिने नहीं जा सकते उसके इतने एहसान और ये उसके एहसाना किसी गरज के बगैर व वो हमसे कुछ नहीं चाहता हम उसको दे क्या सकते हमारे पास है क्या जो हम उसको दे दें? कुछ है हमारे पास जो हम उसको दे सके सब उस, कुछ उसी का दिया हुआ है जो कुछ है हमारे पास उसी का अता करता है और यह तो उसकी कमाल बंदा नवाजी है कि खुद देता है और फिर कहता है कि इसको खा पी बरत इस्तेमाल कर और इसमें से मेरे नाम पे थोड़ा सा दे दे जो मैंने दिया है मेरे नाम पे दे दे ये फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगा तू एक देगा मैं कम अज़ कम अज दस वापस करूँगा तेरे दस को सत्तर बना दूंगा तेरे सत्तर को सात सौ बना दूंगा तेरे सात सौ को सत्तर हजार बना दूंगा तेरे सत्तर हजार को बेशुमार बना दूंगा इतना मेहरबान मालिक सुबह अल्लाह अलहमदुल्ला अल्लाह तू कितना करीम है तू कितना नवाजने वाला है तू कितना मेहरबान है तू कितना नवाजने वाला दाता है कर्म करने वाला मालिक है और अता फरमाने वाला सखी दाता है सुबह अल्लाह वमदे इसलिए मेरी मोहब्बतों का मरकज मेरी चाहतों का मेहवर, मेरे प्यार का काबा जहां आके मेरा सारा प्यार मरकोज़ हो जाता है सारी मोहब्बतें दिल की यहाँ आके सिमट के उसकी जात के लिए मखसूस हो जाती है अल्लाह अकबर वो मेरा मालिक वो मेरा मनमोहन वो मेरा सच्चा इला मेरा रब है जिसने मुझे पैदा किया जो मेरा परवरदिगार है जो मेरा पालनहार है जो मेरा निगहमान है जो मेरा सहारा है जो मुझे कदम कदम पे हिफाजत करता है और हर वक्त दाएँ बाएँ आगे पीछे ऊपर नीचे उसकी मेहरबानियाँ उसकी हिफाजतें उसकी इनायतें मेरे शामले हाल रहती हैं वो है मेरा इलाह मेरा अल्लाह ये एहसास ये शूर इंसान के दिल में हर वक़्त मौत जन रहे वो है मेरा इलाह और ये इलाह अल्लाह के सिवा कोई नहीं ला लाह इस शूर के साथ जब इंसान ला इला ला और लाला अंत कहता है तो फिर क्या ये सारा कुछ एक तरफा ही है मेरी तरफ़ से ही होता रहे उधर से कोई जवाब नहीं आता उधर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता उधर से कोई इसका रद्द अमल नहीं होता नहीं 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 वो तो बड़ा ही कदरदान है वो तो बड़ा ही मेहरबान है वो तो कहता है मेरे बंदे तू मेरी तरफ आने के लिए खड़ा हो जा मैं तेरी तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ तू मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ मैं एक हाथ तेरी तरफ बढ़ता हूँ तू मेरी तरफ कदम उठा के आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे और छोटे छोटे क़दमों से बढ़ना शुरू कर दे मैं लपक के भाग के तेरी तरफ आता हूँ अल्लाह ऐसा मेहरबान है तो जब इंसान इन अल्फाज के साथ उसे पुकारता है और फिर ये कहता है सुबहानक अल्लाह तो पाक तेरी जात हर ऐब से पाक तेरी सिफतें हर कमी और नक्स से पाक शरीक से पाक इस बात से पाक कि कोई तेरा बराबर हो कोई तेरा हमसर हो कोई तेरे टक्कर का और तेरे मुकाबिल का हो नहीं किसी को यारा नहीं कि तेरा मुकाबला कर सके किसी में ये बलबोता नहीं कि तेरे सामने आ सके तेरे सामने आने की तो कहाँ रही बात कोई तेरे सामने सांस भी नहीं ले सकता दम भी नहीं मार सकता सिर्फ बड़ाई तेरे लिए है गलबा तेरे लिए है कुदरत और ताकत तेरे लिए है इज़्ज़त और अल्लाह अकबर जबरूत और कहारी और जब्बारी तेरी सिफत है तेरे सामने किसी को दम मारने और किसी को बात करने और लभ कुशाही करने का कोई यारा नहीं कोई हिम्मत और जरूरत नहीं अल्लाह अल्लाह सुबहानक तू पाख और तेरे फैसले तेरे हुक्म तेरे फैसले तेरे हुक्म रहमत वाले हिकमत वाले रहमत वाले हिकमत वाले जिनमें सरासर रहमत है जिनमें सरासर हिकमत है अल्लाह मैं राजी अल्लाह मैं राजी अल्लाह मैं राजी सुबह न का व भी हमदी का, तू जैसे रखे मैं वैसे राजी तेरी तारीफ़ ही तारीफ़ तेरी सना ही सना और अल्लाह के नबियों का हज़रत यून अलैहिस्सलाम का मैं तस्करा कर रहा हूँ उन्होंने तो ऐसे कहा था और मेरे आका व मौला मोहम्मद और रसूल वसल्लम की जिंदगी का वो मरहला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भूल नहीं पाए उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी आजमाइश आई सत्तर प्यारे साथी अनसार जानसार फ़िदाकार और सब कुछ निछावर करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी बड़े ही मुखलिस बड़े ही वफादार सत्तर शहीद हो गए और अपने चचा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मे मुकर्रम सदना हमज़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर उसदुल्ला वसदरसूल ही जिनको अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर है वो भी शहीद हो गए अपना दांत भी शहीद हो गया रुखसार जख्मी हो गया सर में भी जख्म आ गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमज़दा थे अपने साथियों की वफ़ात के ऊपर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्ला ने पूछा या रसूल अल्ला क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत से ज़्यादा दुख वाला तकलीफ़ वाला और करब और अलम का बायस बनने वाला कोई मौका आया ये सारा कुछ सामने है उन्होंने आंखों देखा ये सारा कुछ मदीने में मौजूद थी अल्लाह अकबर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा मेरी कौम ने मजबूर किया मक्के से निकला इस उम्मीद के साथ कि मक्के वालों ने मेरा पैगाम ठुकरा दिया है और मेरी दावत को रद्द कर दिया है और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मैं ताइफ जाता हूँ जो अरब का दूसरा बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला है एक कुरैश और दूसरा सकीफ सारा अरब इनकी चौधर और इनकी सरदारी को तस्लीम करता है इन्होंने नहीं माना मैं उनको जाके दावत देता हूँ शायद वो मेरे साथी बने मेरे साथ खड़े हो जाए और इस दावत को कबूल कर लें और अल्लाह ताला इस दावत को फ़रोग दे दे इसको क़वत और कबूल नफूज और अल्लाह इज़्ज़त इसको दुनिया के अंदर फैलाओ और इंतशार नसीब फ़रमा दे ये फैल जाए इसकी इशात हो जाए वहाँ गए लेकिन किस हाल में गए सवारी नहीं पैदल गए Allah. वसायल नहीं पैदल गए खदीजा फोत हो चुकी है अबू तालिब फ़ौत हो चुके हैं जो ज़ाहरी सहारे थे वो ख़त्म हो चुके हैं कौम ने नौज़ु बिल्ला नौजुबिल्ला जुटला दिया नौज़ु जुबान यावरी नहीं करती कि ये लफ्ज़ बोलूँ लेकिन हकीकत ऐसे ही है लोगों ने नबी सल्ला वसम को जुटला दिया और अपने ख्याल में ठुकरा दिया हाय हाय रमत आलम को बल्कि रहमत दो आलम को इस दुनिया ही की नहीं दोनों जहान की रहमतों को ठुकरा दिया नसीब नसीब अल्लाह अकबर अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम तायफ तशरीफ ले गए और वहां जाके दावत दी और ये अरब के सरदार जो नबी वसल्लम को जवाब देते हैं एक तो ये कहता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं कैसे रसूल हैं जिसके कदमों में सालेम जूता भी नहीं है घिसा हुआ और टूटा हुआ जूता है और जिसको सवारी के लिए कोई गदिया भी नहीं मिली कि यहाँ सवार होके आ जाता तुम्हारे जैसा रवि हो सकता है जाओ जाओ मैं बात करना भी तुमसे पसंद नहीं करता अल्लाह तो अकबर दिल जख्मी हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम के जज्बात अल्लाह अकबर छलक पड़े क्या बातें करता है दावत पे गौर ही नहीं किया ये चेहरा अल्लाह अकबर कायनात में इस जैसा हसीन चेहरा कोई नहीं ये शख्सियत पूरी कायनात के अंदर इस जैसी बाक़वाल शख्सियत कोई नहीं लेकिन लोग कपड़ों के साथ कोठियों के साथ सवारियों के साथ और इन सिक्कों के साथ इंसान की क़दर कीमत लगाते हैं इंसान की कदर और कीमत तो अखलाक के साथ होती है इंसान की क़दर कीमत तो उसके किरदार के साथ होती है उसकी सीरत के साथ होती है उसके फिक्र के साथ होती है उसके कौल और उसके किरदार के साथ होती है चीज़ें तो ये होती हैं जिनके साथ इंसान की कदरों कीमत होती है इस दीवार को सोना लगा दो ये दीवार ही रहेगी ये सोना तो नहीं बन जाएगी और सोना भी सोना है लेकिन क्या है इस ज़मीन की एक धाती तो है इंसान ये इसके अंदर अल्लाह की अमानत वो रूह है और अल्लाह रबुल्ज़त ने इसके सर पे खिलाफत का ताज रखा हुआ है और अल्लाह का नबी वो तो वो हस्ती है जिसको अल्लाह रबुल्ज़त ने सारे जहानों से चुना है सारे जहानों से चुनी हुई हस्ती उसकी कदर ही नहीं की और दूसरे के पास जाते हैं और उसको जाके दावत देते हैं तो वो क्या कहता है वो कहता है सर बात ये है अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मैं एक दुनियादार गुनागार आदमी हूँ मेरी ये हस्ती नहीं है कि मैं आपके साथ बात करूँ और अगर आप झूठे हैं तो फिर आपकी ये हसीियत नहीं है कि आपके साथ बात की जाए इसलिए इस्लाम चाहिए और उधर ताइफ के अबाशों को पीछे लगा दिया मजाक उड़ाओ तकलीफ़ पहुंचाओ, अजियत दो और नौजुबिल्ला नौजुबिला तोहीन करो तोहीन करो दुख पहुंचाओ, तो ये ताइफ के अवाश आवाज़ें कसते हैं पत्थर फेंकते हैं और धक्के देते हैं अल्लाह अकबर किसको जो इस कायनात का सबसे अजीम इंसान है और अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मुकर्रब है सबसे ज़्यादा महबूब है लेकिन ये उसका अजब निज़ाम है कि जो प्यारे होते हैं उनको इम्तिहानों से गुजारता है उन्हें और ऊंचा उठाने के लिए तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा एवकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए ये जो मुख्तल परेशानियाँ आती हैं ये जो तकलीफ़ें आती हैं ये तो चलती हैं तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए अल्लाह वक़्त पर रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया रजुलयुप्त कदर दीन ही जितना इंसान का दीन होता है उसी के हिसाब से इंसान की आजमाइश होती है। पूछा गया सबसे ज़्यादा कड़ी आजमाइश किन की होती है बताया लम्बिया नबियों के इम्तिहान खड़े होते हैं और फिर उनके जो अल-अम्सल फल फलअमसल नबियों के ज़्यादा करीब होते हैं फिर उनके जो उनके बाद करीब होते हैं फिर उनके जो उनके बाद करीब इम्तिहान बड़ा कड़ा था अल्लाह अक पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम जब बहुत ज़्यादा अल्लाह पर दिल गिरफ्तार होकर और आज़ुर्दा होकर एक बाग के दरवाज़े की चौखट के ऊपर बैठ गए हिम्मत जवाब देगी पैदल सफ़र किया है खून बह रहा है जिसम के अंदर से पत्थर मारे हैं अल्लाह अकबर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात तबरानी और दूसरी सीरत की रिवायतों में ये दुआ के अल्फ़ाज़ हैं अल्लाह ज़ाफ़ा का फ़ाकुवती मेरे मौला मैं तेरे हजूर शिकवा करता हूँ कि मैं कमज़ोर हूँ फ़ाकुती अल्लाह मेरे में ताकत नहीं है वकीलत हिलती अल्लाह मेरे पास वसायल नहीं है वहवानी वहवानीस ए मेरे मौला मैं इस बात का शिकवा करता हूं कि लोग मेरी कदर नहीं करते मुझे धक्के देते हैं मुझे जुटलाते हैं मुझे ठुकराते हैं नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला वानीस अल्लाह अंतरबुल मुस्ताफी तू ही कमज़ोरों का सहारा है तू ही कमज़ोरों का रब है वह अंतरबी और मेरा रब भी तू ही है तेरे सिवा मेरा कौन है अल्लाह तेरे सिवा मेरा कौन है इला मन तकिलू अल्लाह तु ने मुझे किनके स्पुर्द कर दिया इलाद हम उन्नी दुश्मनों के जिन्होंने माथे पे तेवरियां चढ़ाई हुई हैं या वो दूर पार के लोग जिनका मेरे साथ कोई प्यार का कोई रिश्ते नाते का ताल्लुक नहीं है जिनको मेरे ऊपर रहम भी नहीं आता अम इला करीब इन मन लगता हुआ अमरी या वो अपने जो बेगाने बन गए जिन्होंने आंखें फेर ली और तूने मेरे ऊपर उनको अख्तियार दे दिया कि वो मेरे बारे में जो चाहे बोलें जैसे चाहें मेरे साथ बर्ताव करें मेरे साथ सलूक करें अच्छा मेरे मालिक अल्लाह अकबर लकल उतबा हत्ता तर्जा अल्लाह मैंने तो सारी जिंदगी रो रो के नाक नगड़ रगड़ के जबहा साई कर कर के तुझे मनाना है कि तू राजी हो जाए तू राजी हो जाए तू राजी हो अल्लाह तू राजी हो जा लकल उतबा हत्ता तर्जा तुझे मनाना है जब तक तू राजी ना हो व इम यकुन फ़लाउ बाली मेरे मौला अगर इन हालात से गुजार के और इन हालात से दो चार करके तू मुझ पर नाराज़ नहीं है तू इस पर खुश है तो मुझे परवाह नहीं मुझे परवाह नहीं बाली लेकिन मेरे मौला आफियतों का लिया उसाओ तेरी आफियत तेरा तहफ़ तेरा बचाओ और तेरी पनाह इसमें बड़ी समाई है मेरे लिए भी समाई है सारे जहान के लिए समाई है सारी दुनिया के गुनहगारों के लिए समाई है और मैं तो तेरा फरमावरदार बनता हूँ अल्लाह तेरी आफियत में बड़ी समाई है बड़ी वसत है इसकी बड़ी पहनाई है इसके अंदर बड़ी गुंजाइश है अल्लाह मुझे अपनी आफियत की चादर में ले ले अपनी आफियत की आगोश में ले ले असरु कभी नूरी वजह कल्ल अशरकत ुमात अल्लाह तेरे उस चेहरे के नूर के वास्ते से सवाल करता हूँ जिससे सारे जहान की तारिकियां रोशन होती हैं वह अर्ज़ और उसके साथ ही सारा जमीन व आसमान रोशन अल्लाह अल्लाहबी का ग़ज़ब का औ याहुल्लबी या सखत का इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह तेरा गजब मैं उसका शिकार हो जाऊँ और तेरी नाराजगी का मैं निशाना बन जाऊँ अल्लाह मैं तेरे गज़ब से पनाह मांगता हूँ तेरी नाराजगी से पनाह मांगता हूँ ये दुआ अल्लाह के रसूल ने फरमाई कायनात हिल गई भूंचाल आ गया इस कायनात के अंदर जबरीलेमीन आए मलकुल ज़िबाल को साथ लेकर आके फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि ये मलकुल जिबाल पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ आया है हुक्म फरमाए आंख के इशारे से ये मक्के वाले ये ताइफ वाले अभी चंद लम्हों के अंदर पहाड़ों के दरमियान पीस के इनको सुरमा बना दिया जाए फरमाए लाहौव लाहौव अकबर कहते हो मेरी कदर नहीं कहते हो मेरी हैसियत नहीं तेरी हैसियत नहीं मेरे प्यारे नबी, तेरी हैसियत तो ये है कि तू एक आधा हरफ बोल दे इन तेरे दुश्मनों को अभी तख्ता अरस से इनको बिठा दिया जाएगा इनका नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा तू बोल तो सही तू कह तो सही रहमत का समंदर जोश में आया और तो लिल आलमीन की जुबान गोया हुई तो क्या कहा ये कहा नहीं नहीं, मैं इनकी तबाही ही नहीं मांगता अगर ये भी ईमान नहीं लाते तो शायद इनकी नस्लों में कोई ईमान लाने वाले पैदा हो जाए मैं इनके लिए हिदायत और मुआफी की दरखास्त करता हूं हिदायत और मुआफी की दरखास्त करता हूं अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा ने पूछा आपकी जिंदगी में ओहद से बढ़कर भी कोई दिन आया आयशा वो जो मेरे साथ तयफ में बीती थी मेरी सारी ज़िंदगी में उस जैसा कठिन दुश्मार गुजार अलमनाक और दर्द अंगेज मरहला मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मेरा अल्लाह अकबर जहरा गुदाज हो गया मेरा पिता पानी हो गया मेरा जिगर छलनी हो गया मेरा दिल अल्लाह अकबर घायल हो गया था उस दिन जो तेरी कौम ने मेरे साथ उस दिन किया था लेकिन मेरे आका ने फिर भी जुबान से बदवा नहीं की आया हुआ आज़ाब का फरिश्ता वापस कर दिया वापस कर दिया और ये नबी ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रहमत बन के आए और आकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि लोगों अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए आओ उसके दर पे झुक जाओ उसके बंदे बन जाओ वफादार बंदे फर्मा बरदार बंदे इतात गुजार बंदे तकवाशार बंदे बन जाओ इसी में तुम्हारी बेहतरी है और लोगों जुलम छोड़ दो अदल अख्तियार करो रहम अख्तियार करो अपने आप पर भी रहम करो खल के खुदा पर भी रहम करो अल्लाह के हक में भी अदल करो उसका हक ना मारो उसका हक किसी और को ना दो अल्लाह के रसूल के साथ भी अदल करो जो उनका मकाम है वो उन्हीं के लिए खास रहने दो उस मकाम पे किसी को ना बिठाओ किसी को उनका हमसर न बनाओ किसी को उनकी जगह पे लेके ना आओ और उनका हक है जो कह दें सरे तस्लीम हम कर लो जो करें आंखें बंद करके उसकी पैरवी करो जो फरमा दें उसे अपनाने की कोशिश करो एक लम्हे के लिए भी ना सोचो उनके फेल में उनकी सुन्नत में उनके अमर में उनके हुक्म में दुनिया की भी इज्जत और कामयाबी फलाह और कामरानी है और आखरत की भी सादत, नेक बख्ती और शाद कामी और आखरत की भी इज्जत और आखरत की भी कामयाबी अल्लाह इज्जत ने मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलने के अंदर रखी हुई है और अल्लाह के बंदे बन जाओ अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ और दुनिया के अंदर आज म का बाजार गर्म है म्म का बाज़ार गर्म है वैसे तो ये जो जी एट हैं अपने आप को कहते हैं कि ये अजीम हुकूमतें हैं और वीटो पावर हैं अल्लाह अकबर इनके जुल्म का कोई हिसाब लेने वाला नहीं इनके जुल्म का कोई पूछने वाला नहीं और जो दुनिया के निज़ाम हैं मार्क्सिज्म हो लेनिज़्म हो सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो या इम्पीरियलिज्म हो और इसकी आगोश में पलने वाली ये डेमोक्रेसी हो कोई भी निज़ाम हो ये सब जुलम के निज़ाम हैं अगर अदल का निज़ाम है तो वो निज़ाम है जो आलमीन लेके आए दुनिया में अगर, अगर अदल कायम होगा तो इसी निज़ाम के साथ कायम होगा आकाश के इस उम्मत को ये समझ आ जाए अदल के अलम बरदार तो तुम थे और तुम इस अदल के निजाम को छोड़ के इन नजमों के पीछे भाग भागते हो इन क्रेशियों के पीछे भागते हो अरे अल्लाह के बंदो आओ उस आलमीन के दामन रहमत में आ जाओ और उस इस्लाम के अदल के झंडे के नीचे आ जाओ जिसकी वकालत करते हुए हजरत रिबी इबन आमिर ने ये कहा था जब ईरान के जर्नल ने उनसे पूछा था ओ अरब के बादिया ने और ओ अरब के गो खारो और तुम्हें किसने ये जुरत और हिम्मत दी कि तुम अरब के सहरा से उठे हो भूखों और फाकों के मारे हुए और अल्लाह अकबर दारा और के खुसरों के तख्त के ऊपर आके तुमने हमला कर दिया है और ईरान की हजार साल तारीख को तुमने ताराज कर दिया है वो तो क्या लेने आए तो उन्होंने कहा था हम नहीं आए हमें वो लेके आया है जिसने ये कायनात बनाई है और किस लिए लेके आया है हैजात मीन इबादत इला इबादल बंदों से बंदों की बंदगी छुड़ाकर उन्हें अल्लाह की बंदगी पर लगाने के लिए उसने हमें खड़ा किया इबादा मिन के निज़ाम के मजाब दुनिया के कवानीन दुनिया के दसातीर और दुनिया के जितने कायदे और जबते हैं सारे जुल्म से भरे हुए हैं इन झुलम के कानूनों और कायदों और दस्तूरों से निकाल कर लोगों को इस्लाम के अदल के छाँव के नीचे लाने के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है आज दुनिया को इस बात की जरूरत है काश ये हमारी क़वत मुक्तदरा हमारे हुक्मरान हमारे अदल के अलम बरदार और हमारी पार्लियामेंट्स हमारे हुक्मरान इस हकीकत को जान लें और अल्लाह ताला उन्हें इस हकीकत को जानकर मानकर इसका अलम बरदार बना दे कि वो दुनिया के अंदर इस अदल के निजाम को कायम करें जो मोहम्मद रसूल सल्ला लेकर आए थे इसी में दुनिया का अमन भी है इसी में दुनिया की सलामती भी है और इसी में इस मुआरे का सुकून और चैन और सुख भी है और सारे दुखों का और सारे दरदरों का मुदावा भी इसी में है और सारे मसाइल का हल भी इसी में है अल्लाह ते तो कता फ़रमाए हमारी दस्तगे फरमाए और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रास्ते की तरफ़ पलटने के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर दे हमारा दिल खोल दे और हमारे दिलों को इत्मीनान बख्श दे सुभान रब्बी का रब्ज़त इज़्ज़ती। अम्मा या सिफ़ून वसलामसलीम वल्हद्ल रबालम